व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत। मैं अक्षय बिस्सा आपकी वजह से आज मसल गेन करने के बारे में, वजन बढ़ाने के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। इस टॉपिक में अभी सुनेंगे कि वजन कैसे गेन होता है हमारे घर के खाने के पदार्थ में। कई तरह के विटामिन या प्रोटीन पाउडर आते हैं जो कि बहुत दाम में होते हैं और उसके साइड इफेक्ट भी बहुत खतरनाक होते हैं। खुद हमारे डॉक्टर या हम खुद यूज करने वाले जिम वाले जो आपको कहते हैं कि भाई प्रोटीन पाउडर यूज कीजिए कि वो ओरिजिनल होना चाहिए, और ओरिजिनल कुछ कुछ प्रोडक्ट प्रोटीन पाउडर है लेकिन कुछ नहीं है। लेकिन आप 5,000 रुपये देने से अच्छा है घर में सिर्फ 2,000 रुपये ही खर्च करें महीने में, तो आपका वेट गेन हो जाएगा। मेरी प्योर परसेंट गारंटी है क्योंकि मैंने खुद इस्तेमाल किया है और कर भी रहा हूँ। मैं आयुर्वेदिक चीज़ें ही इस्तेमाल करता हूँ, नॉन केमिकल वाली। तो बात करते हैं वेट गेन कैसे करेंगे। कई लोग वजन घटाने के लिए जिम जाते हैं, कई वजन बढ़ाने के लिए जिम जाते हैं। जिम जाने वाले पर वजन कम हो जाता है लेकिन मसूड। तो भाई लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलिए। लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी और लाइक तो करना ना ही भूलिए। तो ये भाई वजन घटाने की चाहत में जिम जाना उतना कारगर नहीं सिद्ध हो पाता। कहा भी जाते हैं हमारी बॉडी जो है बल्कि मजबूत मसूड़े, मजबूत हाथ, मजबूत हमारा शरीर चाहिए, तो आप घरेलू ही इस्तेमाल कीजिए। तो हमारे पहले वेट गेन में पहला नाम आता है आप सिप रहे हैं आलू किस तरह में आपका वजन बढ़ाता है दर के साल। यदि आप आलू को अपने डाइट में रोजाना ले के आइए शामिल करें तो आपका वजन बढ़े जाते ही आलू में कैलेस्ट्रोलेक्स और कैम्पलेक्स शुगर होता है जिसके नियमित सेवन से वजन शर्तीय बनता है। कोशिश के कि आप अलग तरीके से आलू खाइए ताकि स्वस्थ में अच्छा लगे और डेली इसका सेवन करें पाए कि कोशिश करें कि आलू का तलक कर उपयोग न करें, नुकसान पहुंचा सकता है। पेट और गैस संबंधित रोग तुले हो चालू हो सकते हैं। तो आप आलू डेली किसी भी डाइट में हम आलू खाएंगे तो आलू में मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट्स और ट्रैपिक्स ये हमारी मसल गेन करने में या वेट गेन करने में मदद करेंगे। तो आप किसी भी तरह से आलू खा सकते हैं। तो दूसरा आता है केला। केला आपके लिए संपूर्ण आहार है जिसके पर्याप्त मात्रा में आयरन और शक्कर होती है जो शरीर को केवल ऊर्जा होती है। केले में इतनी शुगर शिकर होती है कि यदि इससे आप खाकर वजन जल्दी से जल्दी बढ़ा सकते हैं। केले के साथ दूध मिलाकर इसका शिकरण करके आप खाएंगे, जैसे कि दूध हो गया उसमें केला और उसमें दही मिलाकर और थोड़ी सी शक्कर मिला के आप खाएंगे तो महीनों में आपका रिजल्ट आएगा कैसी भी बॉडी क्यों ना हो। तो बाद में आता है तीसरे नंबर पे अंडा। अंडा वजन बढ़ाने में सहायक है। अंडे में फैट और कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। एक अंडे में प्रोटीन की मात्रा भी होती है और कई दूसरे विटामिन भी। हालांकि ध्यान में रखें कि कच्चा अंडा बल खाए क्योंकि कच्चे अंडे में जैसे बैक्टीरिया हो सकते हैं, वही खाते हैं ना। हाँ, सब पदार्थ उबाल के ही खाए, अंडे खा सकते हैं आप, अंडे में भी ज़्यादा प्रोटीन। किशमिश, बात करते हैं चौथे नंबर पे आने वाले। किशमिश आपका वजन बढ़ाने के लिए काफ़ी है। यदि आप पूरे दिन में एक मुट्ठी किशमिश का सेवन चाहते हैं फिर ते भी करते हैं, आपका वजन बढ़ाने के लिए काफ़ी है। आप एक किशमिश और अंजीर को संतुलित मात्रा में लेकर और रस भर मिलाने के बाद खाएंगे तो केवल आपका वजन बढ़ेगा बल्कि कई तरह के रोग दूर भी भाग जाएंगे। केले के साथ रस भी बनाकर आप एक मुठ खाएंगे तो रोग भी नहीं होगी और वजन भी बढ़ेगा। पांचवें नंबर पे है बादाम। बादाम हमारे सौंदर्य बढ़ाता है और भिगाकर बादाम खाने से हमारा वेट गेन भी हो जाता है, जैसे पिंपल्स नहीं आएंगे, रिपले नहीं होंगे और कहीं विटामिन, बालों की समस्या, आंखों की समस्या नहीं होगी और वेट गेन भी होगा बादाम से। आप खाली पेट बादाम रात को भिगा के रखिए और सुबह उसका छिलका निकाल के खाने से हमारा वेट गेन हो जाएगा।
बल्कि घर के कुछ हो गए, जैसे कि हमारे शरीर बन जाएगा।